वीडियो में आप जिस भारी भरकम शिवलिंग को देख रहे हैं, उसे मंदिर में स्थापित करने के मामले में जब सारे इंजीनियर्स फेल हो गए, तब एक मुस्लिम मिस्त्री ने ऐसा उपाय बताया कि यह 6.5 फीट लंबा और करीब 1.5 टन वजन वाला शिवलिंग आसानी से जलाधारी में स्थापित हो गया। दरअसल यह मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है, जहाँ विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ पर सहस्त्रेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। शिव के इस नए स्वरूप को जलाधारी यानी जलहरी में क्रेन की मदद से स्थापित किया जाना था। इसके लिए बकायदा क्रेन की मदद ली जानी थी। प्रशासन ने PWD, PHE, जिला पंचायत सहित सभी विभागों के इंजीनियर्स को बुलाया, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि शिवलिंग को जलहरी पर कैसे उतारा जाए। इसके बाद शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने का जिम्मा एक मुस्लिम मिस्त्री ने लिया। जब जलाधारी में शिवलिंग को स्थापित करने में बड़े बड़े अनुभवी इंजीनियरों के पसीने छूट गए, तो वहां पर काम कर रहे मिस्त्री मकबूल हुसैन अंसारी ने अधिकारियों से कहा कि वो इस काम को करने में मदद कर सकते हैं। जिसके बाद मकबूल ने इंजीनियरों को एक आइडिया दिया कि यदि बर्फ के ऊपर शिवलिंग को रखा जाए तो बर्फ पिघलने के साथ ही साथ धीरे धीरे शिवलिंग जलाधारी के अंदर चला जाएगा। मकबूल हुसैन का यह आइडिया हर किसी को पसंद आया और बर्फ मंगवाकर उसे गोलाकार में काटते हुए बर्फ के टुकड़ों पर शिवलिंग को रख दिया। फिर देखा गया कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, वैसे वैसे शिवलिंग अपनी जगह लेता गया। अब हर कोई मिस्त्री मकबूल हुसैन की तारीफ कर रहा है। आपको बता दे, मकबूल घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कभी स्कूल नहीं गए। वो सऊदी अरब में 8 साल मिस्त्री का काम कर चुके हैं, साथ ही उन्हें कई मंदिर बनाने का खासा अनुभव है। इंजीनियरों को परेशान करने वाली इस समस्या को मकबूल ने कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया। उनकी सूझबूझ से शिव सहस्त्रेश्वर महादेव जलाधारी में स्थापित हो गए। वहीं इस काम में लगे इंजीनियर दिलीप जोशी का कहना है कि शिवलिंग का वजन 1.5 और जलाधारी 3.5 टन की है। इसमें सबसे बड़ी तकनीकी परेशानी यह आ रही थी कि चारों तरफ खंभे होने की वजह से क्रेन अंदर नहीं जा पा रही थी, न ही दूसरी क्रेन से शिवलिंग को स्थापित किया जा पा रहा था। रोलर पाइप की मदद से जलाधारी को रखा गया था और जब शिवलिंग को रखने की बारी आई तो इसके बेलनकार होने के कारण काफी परेशानी आ रही थी। इसके लिए नीचे से बेल्ट लगाकर इसे केंद्र में लाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। तो हमारे मिस्त्री मकबूल अंसारी ने बताया कि इसमें बर्फ भर दो, तो 1.25 फीट अंदर तक बर्फ रख दी, फिर बेल्ट की मदद से इसे फिट किया गया। अब 1 मिलीमीटर भी फर्क नहीं है। मकबूल भाई का आइडिया काम आया। बर्फ को पिघलने के लिए चारों तरफ गर्म पानी डाला गया। इस काम में लगभग 14 घंटे का समय लगा। मकबूल भाई ने सारी समस्या हल कर दी और यह ऐतिहासिक काम हुआ। हम सब बेहद खुश हैं। उधर मकबूल का कहना है कि अल्लाह ईश्वर एक ही है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझसे यह नेक काम हो सका। इस शिवलिंग को 1500 साल पहले दशपुर के होलकर सम्राट के काल में लाइम सैंड स्टोन से बनाया गया था। यह शिवलिंग भी शिवना नदी से मिला था। अष्टमुखी पशुपतिनाथ की मूर्ति भी शिवना नदी से मिली थी। शिवलिंग के लिए जलाधारी गुजरात से बनवाई गई थी।